भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही जनपद रुद्रप्रयाग में भी आचार संहिता को प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए कवायद तेज हो गई है। इसके तहत जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गैरवार ने शनिवार शाम प्रेस वार्ता कर आचार संहिता की जानकारी देते हुए आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन करने की सभी से अपील की है। इसके तहत जिला अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही नियमानुसार 24 घंटों के भीतर सभी सरकारी संस्थानों से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार सामग्री हटाई जाएगी। ऐसा ही नहीं होने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। रहेंगे वो निर्वाचन संबंधी सभी व्यय को और उनको एक डेट दी जाएगी जिस डेट को वे परिणाम की घोषणा तक सभी व्ययों का सभी जो सही लेखा है वो बनाए रखेंगे या अपने अभिकर्ता द्वारा रखेंगे। और उसी तरह से धारा 127 ARP एक्ट हमें ये कहता है कि कोई भी पुस्तिका पोस्टर आदि जो है मुद्रण जिस पर होगा उसके संबंध में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक या प्रकाशक के नाम या पता मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करवाएगा।